और आज भी एक हेक्टर एक ही नहीं है। अगर उस समय 900 आ रहे था और आज भी 900 आ रहे हैं तो मतलब वहां मौके पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, पानी वही खत्म हो गई, राइट। अब अगर डिफरेंस आया कि 900 आ रहे पूर्व में था, एक हेक्टर पूर्व में था, आज 900 आ रहे अगर नक्शे में आ रहा है, अब आपको जाना है मौके पे, ठीक। मौके पे ये देखना है कि वो काबिज कितने पे, अगर 900 आ रहे पे काबिज है तो आपको आस पड़ोस से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 900 खसरे में चढ़ा हुआ है, बेस खसरा है, उसके अनुसार नक्शा चलेगा, क्लियर। नक्शे के अनुसार कभी खसरा नहीं चलाते, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। बेस अपना क्या है, खसरा। यदि यह 900 आ रहा है तो फिर आपको जब यहां से जाओगे तो चतुर सीमांत के सीमांकन के लिए सारे लोगों को सूचना पत्र देना है, क्योंकि किसी की जमीन काटोगे नहीं काटोगे तो सरकार की जमीन काटोगे, एक जमीन कोई काटेगी तभी उसी का तो 900 से एक हेक्टर नक्शे में चढ़ेगा, तो आपको साइन जरूर होना, किसी की कराओ की मत कराओ उसकी साइन अनिवार्य है। बाद में हम उसको नोटिस देके बुलाएं, फिर वो अपना यहां पर जो उसको अभिमत मत रखना है, जब उसका नक्शे में से काटोगे तो उसकी जमीन जरूर नाप दो, जिसके नक्शे में से कट रही है उसकी जमीन नापना जरूरी है। अगर उसकी मान लो एक हेक्टर है, यदि मेरे नक्शे काटने के बाद में 900 रह गई तो मेरा आज का केस फेल। यदि उसके पास में एक हेक्टर है, कब्जा 1100 आरए पे है तो 100 आरए बहुत परफेक्ट है, वैसा ही बनाना चाहिए। और उसको जो है प्रतिवेदन देखने के बाद इनको बुलाने की जरूरत नहीं, न पूछने की जरूरत क्या करना है क्या नहीं करना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत बढ़िया है। बंदोबस्त त्रुटि का भी जो है।